हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास रजनी स्टिचिंग क्लासेस। और आज की वीडियो में मैं आपको गरम शॉल से टॉप या कुर्ती की कटिंग सिला और सिलाई सिखाऊंगी। तो ये इस तरीके की शॉल है मेरे पास और इसमें इस तरीके से बॉर्डर बना हुआ है। तो इसको मैंने फोर फोल्ड कर लिया है और जितनी भी हमारी हिप की चौड़ाई है उसमें ले लेंगे। तो हिप की चौड़ाई मैंने 12 इंच ली है, फोर फोल्ड करने पर 12 इंच ली है। तो इस तरीके से जितनी भी आप शॉल की लेंथ लेना चाहते हैं, मतलब कुर्ती की लेंथ, उसके हिसाब से आप हिप चौड़ाई ले लें। तो मैंने पूरी शॉल की लेंथ ली है और इस तरीके से 12 12 इंच पे निशान लगा के चौड़ाई का निशान लगा दिया है। अब इसको मैं कट कर दूंगी। अब दोनों, पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, सॉरी बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो शोल्डर मैंने 8 इंच लिया है और आर्म होल भी मैंने 8 इंच लिया है। और इस तरीके से 1.5 इंच पे गोलाई दे दूंगी बैक पार्ट की, जैसे हम अपनी कुर्ती में देते हैं उसी तरीके से देना है। अब इसके बाद इस तरीके से मैंने 8 8 इंच पे दिया है। अब गले की चौड़ाई मैं 3 इंच लूँगी और इसकी लेंथ भी 3 इंच लूँगी, तो 3.5 इंच लूँगी। 1/2 इंच इसमें मेरा सिलाई में जाएगा और 3 इंच तैयार होगा। और इस तरीके से गले की गोलाई हो गई। अब इसकी कटिंग कर देंगे बैक पार्ट की। अब यहाँ पे 1/2 इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। वीडियो थोड़ी धुंधली आई है, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, तो अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी मैंने शोल्डर की चौड़ाई 8 इंच ली है और आर्म होल 8 इंच लिया है। और इस तरीके से बॉक्स बना देंगे और 1 इंच की आर्म होल की गोलाई देंगे। बैक पार्ट में हम 1.5 इंच के देते, फ्रंट पार्ट में हम 1 इंच के देंगे। और गले की चौड़ाई 3 इंच हो गई और इस पे कॉलर वाला गला बनेगा, तो 4 इंच की हम इसमें गुलाई देंगे। 4.5 इंच लेंगे, 1/2 इंच इसमें सिलाई में जाएगा, 4 इंच तैयार होगा। और जितना भी आपको पीस सेंटर में कट देना है उतना आप दे सकते हो। तो मैं 9 इंच तक दूँगी और इस तरीके से सेंटर में कट दे देंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर देंगे। शोल्डर डाउन करेंगे 1/2 इंच का, जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। अब गले की कटिंग कर देंगे बैक पार्ट, सॉरी फ्रंट पार्ट की। और सेंटर में जो हमें कट लगाना था उसकी कटिंग कर देंगे 9 इंच तक। तो ये सेंटर में कट कर दिया और इस तरीके से क्रॉस में कट लगा देंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट के गले की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है ये हमारा सेंटर में जाएगा। ये फोर पार्ट है क्योंकि दो पार्ट को हम जॉइंट करेंगे, क्योंकि बीच में सिलाई आएगी जहाँ से बॉर्डर वाला पार्ट है। तो बॉर्डर वाले पार्ट से हम 2 इंच लेंगे, यहाँ साइड से 3 इंच लेंगे। स्लीव्स की लेंथ 22 इंच होगी, 1/2 इंच हम सिलाई में लेंगे। इस तरीके से ऊपर से गोलाई दे देंगे। और अब जो स्लीव्स की गोलाई हो गई वो 6 इंच होगी और उसमें हम 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेंगे, तो 7 इंच या 7.5 इंच हम टोटल ले लेंगे स्लीव्स की गोलाई। अब हम स्लीव्स नीचे वाले पार्ट को ऊपर वाले पार्ट से मिला देंगे। और ये सब हम स्लीव्स की कटिंग कर देंगे। तो नीचे हमें इस तरीके से ट्रेसल बने हुआ आ जाएगा। अब हम शोल्डर जोड़ेंगे बैक एंड फ्रंट पार्ट का, तो सीधा वाला पार्ट अंदर रहेगा, ऊपर वाला पार्ट बाहर की तरफ रहेगा। तो शोल्डर भी जॉइंट कर दिया, अब हम स्लीव्स भी जॉइंट कर देंगे।
जैसे हम और कुर्तियों में करते हैं। तो स्लीव्स भी हमने जॉइंट कर दिया है। अब हम फ्रंट पार्ट का गला तैयार करेंगे। तो इस तरीके की मैंने पट्टी काट ली है। आपको वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वीडियो साफ़ नहीं बन पाई है। तो इस तरीके से हम पट्टी लगा के जॉइंट कर देंगे और ऊपर की तरफ जॉइंट करना है। हमें सिलाई को ऊपर की पट्टी को ऊपर की तरफ मोड़ना है, अंदर की तरफ नहीं। और इस तरीके से जो बॉर्डर बॉर्डर वाली पट्टी है वो ऊपर आ जाएगी प्लेन वाली पट्टी के, इस तरीके से जैसे वीडियो में देख रहे हैं। और नीचे हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप बना देंगे और इस पे हम सिलाई कर देंगे। तो ये हमारा बॉर्डर वाली पट्टी बन चुकी है। अब हम गले में जो गले में कॉलर बनाएंगे, तो जितनी भी हमारी गले की गुलाई है उसका नाप ले लेंगे और उसके बाद उसकी उसमें से हाफ इंच या एक इंच एक्स्ट्रा लेके हम उतनी लंबी पट्टी काट देंगे और बीच से इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो इस तरीके से किनारे पे हम शेप दे देंगे और दूसरी साइड भी। तो इस तरीके से शेप दे दी है और अब हम सिलाई करके गले में पट्टी लगा देंगे। तो ये मैंने गले में पट्टी लगा दी है और इस तरीके से पहले एक पार्ट जोड़ना है सिलाई का, फिर दूसरा पार्ट। तो इस तरीके से गले में पट्टी लगा दी है, कॉलर लगा दिया है मैंने। ऊपर से आप चाहे तो प्रेस कर दें। और मैंने फिटिंग भी कर दी है और स्लीव्स भी जोड़ लिया है, स्लीव और स्लिट भी बना ली है। तो ये इस तरीके से बन चुकी है हमारी शॉल से टॉप या कुर्ती। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।